टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि आपके क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं और एक्सपेरिमेंटली भी हम इसको करके देखते हैं। ओके, सो वेलकम टू मनोजा क्लासेस, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो अगर आप 10th क्लास में हैं, 12th में हैं, यू हैव टू इनरोल मनोजा क्लासेस थ्रू द गूगल करेंगे www.manojaclasses.com, तो वहां से आप आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और आज का सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि आपको पता है देयर इज अ 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन जो होती है इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। सेकंड रिएक्शन होती है हमारी डिकम्पोजिशन। थर्ड होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द लास्ट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, which is also known as redox reaction. तो आज कुछ दो या types reactions के बारे में देखते हैं। तो the first type of reaction is combination reaction. तो combination reaction क्या होती है? जैसे कि आपको देख रहे हैं, those reaction in which two or more substances combines, those reactions in which two or more substances combine to form a single substances are called combination reaction. यानी किसी भी रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा अगर आप रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल दिया रखा है मैग्नीशियम। आपको पता है मैग्नीशियम जो होता है एक रिबन फॉर्म में होता है जो कि हमारा एक मेटल है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो इट विल रिलीज मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एशेस फॉर्म में बनता है, ठीक है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम यह देखते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भी या नहीं है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बताया कि टू और मोर सब्सटेंसेस, तो यहां पे दो सब्सटेंसेस क्या है हमारे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और क्या फॉर्म कर रहा है यहां पे, सिंगल सब्सटेंस। सो दिस सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस एज इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन which is very very important for your board exams. तो please आप इसको रखें। Basically इसकी characteristics ज़्यादा important है कि burns with a white dazzling flames के साथ। तो experimentally हम इसको करके देखेंगे। तो experiment देखते हैं हम इसका। तो wait कीजिए, let's show you the experiment. जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम्स के साथ बर्न हो रहा है। अगर आप किसी डार्क रूम में अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते तो आपको काफी ज्यादा ब्राइटनेस दिखेगी, वो डेजलिंग फ्लेम्स यानी ब्राइटनेस फ्लेम्स के साथ बर्न होगा और आपको किसी लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आप घर में भी इसे कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बेसिकली कॉमन नेम के साथ भी जानते हैं लाइम, और जैसे इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। When this calcium oxide react with water, it forms calcium hydroxide. अबे calcium hydroxide हमारा क्या होता है? एक slaked lime होता है. Okay? इसके बारे में और काफी ज़्यादा information है, जो कि हम acid, bases and salt chapter में पढ़ेंगे। तो calcium oxide का use होता है, it is used in manufacturing of cement and glass, and it is also used in whitewashing. जैसे आप अपने घरों में व्हाइट वॉशिंग करवाते हो तो उसमें एक सब्सटेंस यूज करते हैं। आप कभी व्हाइट वॉश, जो आपका पेंटर होता है, जो मैन होता है जो सारे व्हाइट वॉशिंग करता है, तो वो एक सब्सटेंस वहां पे ऐड करता है। ये सब्सटेंस और कुछ नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो कभी भी आपके घर में अगर व्हाइट वॉश हो तो आप इस सब्सटेंस को देखेगा और उसे पूछना कि है क्या। तो आपकी इसकी रिएक्शंस जो है वो भी होती है, बहुत इंफॉर्मेटिव रिएक्शंस है इसकी, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जिसको हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में डिटेल्स में करेंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि दो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं एंड द सिंगल सब्सटेंस इज फॉर्मड ड्यूरिंग द रिएक्शन, हेंस इट इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे। मोर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड क्लिक द बेल आइकन।